छिंदवाड़ा में भाजपा नेता मुनिराज को जाति सूचक शब्द बोलकर उनके साथ गाली गलौज की गई और डंडे से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बरासिया के बड़कोई चौक का है, जहां भाजपा नेता मुनिराज के ऊपर रात में शराब के नशे में जलील नामक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने उन पर हमला किया। वहीं मुनिराज ने बताया कि वे दुकान पर बैठे हुए थे, तभी आरोपी शराब के नशे में आया और गाली गलौज करने लगा। जब उसे रोका गया तो उसने उनको अपशब्द कहे और जाति सूचक शब्द बोलकर अपमानित किया। मना करने पर उसने उन पर डंडे से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उनकी जान बचाई। जानलेवा हमले को लेकर रात में ही भाजपा नेता के समर्थकों ने थाने का घेराव किया, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मुनिराज इंदौलकर निवासी बड़तू ने चौकी बड़तू में रिपोर्ट कराया कि ग्राम बड़तू सलीम मुसलमान शराब पीकर गाली गुप्ता कर रहा था, जिसे मना किया गया। उनके द्वारा जातिगत शब्दों का प्रयोग करते हुए एक डंडे से मारपीट किया था, जिस पर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कल की जो घटना घटी, मैं अपनी दुकान पर था और सोनू और पूरा पिता नेक मोहम्मद गाली गलौज करता हुआ दुकान पे आया, गंदी गंदी गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी, जाति सूचक शब्द, ऐसे शब्द जो सुनने में किसी को भी अच्छे नहीं लगते, ऐसे शब्द उन्होंने वहाँ कहे। मैंने उसे मना किया कि भाई दुकान के सामने लोगों को अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ से जाइए, यहाँ पर गाली मत दीजिए। तो उन्होंने मुझे निकल बाहर, गाली गंदी गाली देते हुए कहा कि बाहर निकल मारूंगा, इस प्रकार से बोल करके वो लठ लेकर के आ गया और धनाधन लठ चलाने लगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।